नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अर्जुन फ्रॉम उत्तराखंड में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो मैं फ्रेश हो चुका हूं, नाश्ता जो है रेडी हो चुका है, तांसी लोग खा भी रहे हैं शायद, तो मैं जाता हूं नाश्ता करता हूं। करते हैं दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ। आज का मौसम तो आप देख सकते हैं क्लीन है, क्लियर है। तुलखा है कि नाश्ता तो अच्छा। तांसी क्या कर रही है? अभी नहीं ना ऐसे तू लिखा है क्या खाना? मैं ये मेरा है तो मेरे लिए ये है नाश्ता रखा है, तो रोटियां भी निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे खा लेता हूँ खाना। आज जो है पालक और आलू मिक्स है, सब्जी दही है, रोटी है। आज दिन में नहाने की व्यवस्था करता हूँ। वैसे गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन पानी जो है ठंडा आता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंडा आता है। तो ऐसा करता हूँ ना, ये बाल्टी लेके जाता हूँ स्टैम्प पोस्ट पे जहाँ पे नल है, वहां से इस बाल्टी को भर के धूप में रख देता हूँ, तो 1-2 घंटे में ये पानी जो है गर्म हो जाएगा। उसके बाद नहा लूंगा गर्म पानी से, क्योंकि ठंडे पानी से तो नहा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुखाम वुखाम लग जाता है ना, बुखार वुखार आ जाता है, इसलिए पानी को गर्म करके नहाने से सही है। पाइप ले लूंगी पहले, पानी भर लूंगी ये बाल्टी में, ये बात लगा ली। तो मम्मी जो है पाइप लगा रही है अभी, पहले मैं पानी भर के रख देता हूँ धूप में। क्या कर रही है? कपड़े धो रही है, कपड़े धो रही है। हाँ धो दो। तो और ये बाल्टी भी हमारी है, तो ये भी नहाने के लिए शायद रखा है ये बाल्टी, इससे तो मैं नहाऊंगा, 1-2 घंटे में बढ़िया गर्म हो जाएगा। अरे वाह, तो तेल दे दो, घम डाल, घम डाल, घम डालनी है, साफ रहे यह खाल कर देना। हाँ ना ना क्या देना, वो वही मिल गई जो जैसे छरेड़ मिल ना उधर दर्द दूँ मिल, वही में क्या ना, वही में पैक कर मैं सब किस डाल दूँगी यार, तब बंद कर दूँ ना। पाइप जो है ना जगह जगह पे मुड़ा हुआ है, इसलिए सीधा कर देते हैं इसको, जैसे कि पानी आने में कोई दिक्कत ना हो। अरे तांसी लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? क्या लाई था? सब्जी, पालक। बहुत दिन में बनू भात, तो आज भात के साथ जो है चावल के साथ आज हम पालक बनाएंगे। ठीक है ना, ये मुड़ी तीन कदड़े कपड़े धोने रही। अच्छा तो आ चुका है पानी, चलो हेलो कर दौड़। अभी दिन के बच चुके हैं 1, तो सुबह जो मैंने एक बाल्टी रखी थी ना धूप में, वो पानी गर्म हो चुका है, तो नहा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा था है, वो दूसरी बाल्टी भी हमारी है, उसको भी यूज कर लेता हूँ, अभी पानी गर्म हो चुका है, नहा लेते हैं, उसके बाद जो है खाना भी रेडी हो जाएगा। फिलहाल तो नहा लेता हूँ मैं, तो 2 बाल्टी पानी हो जाएगा नहाने के लिए, इसमें बैठूंगा, तो कपड़े तो यहाँ रख देता हूँ, नहा लेता हूँ। तो दोस्तों नहा चुका हूँ मैं, तो 1 बाल्टी पानी भर के अब ले जाता हूँ घर में, चलते हैं खाना खाते हैं अब। अल खुद 12:30 बजे का टाइम तो ले बाहर तो ले चखी ले, तो पता ना कह खिलेंगे 4-5 घंटे आ रहा है। तो कहाँ छो भूटू उठू तो हड़ा ही देख दे, अरे सही का देखिए, अल अल तो कट्टा ही थोड़ी देर पहले पकड़ के अच्छा ना तिन पे चल गए, तल्ले तो कट्टा है यहां पे पति बुट्टू खाना ना राइट साइड तो देखिए, आजा खाना अल पक्का चोका दी दे लाल, ये है भात दाल, मिक्स दाल ही बना रखी है, सोयाबीन भी इसमें है, तो बाहर ही ले जाता हूँ खाना मैं। उठ गई, किसने मारा इसको? मारा इसको। अभी शाम के बज चुके हैं 3:30। आज जैसा कि आपको पता होगा आज एकादशी है, मतलब गुलाल आज चढ़ता है, लेकिन जो होली हम गाएंगे परसों से गाएंगे। तो आज की दूसरी स्पेशल बात यह है कि हितांशी को 9 महीने आज कंप्लीट हो चुके हैं। छोटा मोटा जो भी सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, इससे जो है
9 मंथ हम लिखेंगे, फूल तो बढ़िया रहा है। अभी मम्मी गई है मंदिर में, महिलाएं भजन कर रही हैं वहाँ पे, भजन गा रही हैं, तो भजन गाने के लिए मम्मी वहाँ गई हुई है। तो हितांशी का जो 9 मंथ सेलिब्रेशन है वो तैयार हो चुका है। हैप्पी बर्थडे 9 मंथ, हैप्पी बर्थडे 9 मंथ कंप्लीटेड। अभी जो है हम फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फूल तोड़ने के लिए इसलिए जा रहे हैं ना, कल जो है फूलदेई का त्यौहार है। फूलदेई के दिन क्या होता है ये मैं कल ही बताऊंगा आपको, लेकिन फूलदेई के लिए फूल चाहिए होते हैं हमें, तो अभी फूल तोड़ के लाते हैं। काफी सारे फूल चाहिए होते हैं, जितने भी फूल आसपास में है तोड़ लेते हैं। इन्हें बोलते हैं प्योली के फूल, प्योली के ये सब फूल है, ये देखिए इस साइड को भी हो रहे हैं, देखिए यहाँ नीचे सब वही फूल मिलेंगे आपको। कुछ तो नीचे वो हाजरी के फूल बचे हुए हैं जो अभी 9 मंथ सेलिब्रेशन में यूज किए थे, वो अभी फूल इसी में डाल दिए। अब जो है एक दूसरे टाइप के फूल अलबाहुर के फूल है, वो जो है नीचे है। अब यहाँ बिच्छू घास भी है, हितांशी को भी ला रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। कौन है ये, ये पेड़ के पीछे कौन छिपा है? आज पहली बार इसे मैं नीचे लाया, नीचे खेत में, तो फर्स्ट टाइम हितांशी आज नीचे वाले खेत में आई है। तो रास्ता बड़ा टफ है, रिस्क बहुत ज्यादा है। और ये जो है मूली के फूल है, तो इतने फूल अभी तक बन चुके हैं, वैसे कल के लिए काफी है ये। अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, धारे से पानी लेके आता हूँ। उका का भी उड़ा सखी भी, अच्छा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा तू, छोड़ ले पंखा, वो पंखा या या हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ छूटो लियो, चल, चल पापा के साथ, पापा आए यहाँ हिमानी के, इधर इधर गिरे गिरे उधर इधर जा हिमानी, उसको ले आ गया ना भजन कि भजन तो जन चला ही वहाँ, अच्छा अच्छा इधर आओ गिरोगे फिर गिरो। अब हिमानी के पापा जी से मिलते हैं। मौसम मौसम ठीक हो रहा है? बढ़िया एकदम, ठंड तो नहीं ज्यादा? अरे टी शर्ट पहना हो तो जैकेट पहना हो, मेरा तो गर्म हो था दिन में तो है, लेकिन हिमानी पापा किला रहा तू है पिचकार ने लाए पिचकार वही ना कपड़े लागी क्या क्या लाए और फिर के? एक टॉपी एक पिचकार जाएगो तो ताऊ का जाएगो जाएगो शाबाश जाएगो तो अभी रात के बज चुके हैं 9, हमारा खाना रेडी हो चुका है। खाना क्या बना है मैं दिखाता हूँ आपको। ये खाना चने की सब्जी है, रोटी है, दूध है, तो खाते हैं खाना। तो दोस्तों अब करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए
क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ऐसी प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। टाटा बोल दे, टाटा गुड नाइट।